हाय गाइस, ये कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिनका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम के तौर पर. ओके, कीवर्ड और रिजर्व कीवर्ड इन जावा हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर बिकॉज दे आर यूज्ड बाय द कंपाइलर एंड इफ यू यूज देम एज वेरिएबल नेम कंपाइलर विल जनरेट एरर्स. ओके, सिंपली समझ में आ गया कि क्या करेगा अगर हम लोग इसको वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ करेंगे तो एरर जनरेट होगा. ठीक है, लगता है धमकी दे रहा है कि आप यूज़ नहीं कर सकते वरना आपका कंपाइलर को इंटरजन करेगा. वेल, जो भी है. ओके, सो सिंपली मीनिंग इतना है कि आप रिजर्व कीवर्ड का यूज़ वेरिएबल नेम के तौर पर नहीं कर सकते हैं. सो रिजर्व कीवर्ड क्या क्या है, बहुत सारे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा. या फिर आप सिंपली जो जनरल लैंग्वेज में आता है उन्हीं को कि अपना वेरिएबल नेम बनाइए, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज़ मत कीजिए. सिंपली ये तरीका है. सो ये सारे कीवर्ड जो है रिजर्व हैं, जिसका मीनिंग भी मैंने लिखा, मैं सारे पढ़ कर आपको नहीं बता सकता, बट कुछ देख लेते हैं. जैसे कि बाइट है, डिक्लेयर दैट वेरिएबल इज बाइट डेटा टाइप. और कैच है, यही हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ते हैं. सो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, इनका इनका वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. और भी बहुत सारे हैं, अभी ख़त्म नहीं होने वाले, बहुत सारे हैं. ठीक है, इन सब के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.dsource.com पर जाइएगा. वहाँ आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, साथ में ये डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये पूरा जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाया स्लाइड के थ्रू, ये पूरा का पूरा टेबल आपको वहाँ मिलेगा. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्रॉपर, ताकि आप सिर्फ वन क्लिक पर भी वहाँ इस चीज़ को पढ़ सकते हैं. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.